पार्टी में रहे हो, जो कभी नहीं रहा है, 3 दिन पहले पार्टी में आ गया है और उसकी कोई दूसरी ताकत है, तो वो टिकट जरूर ले जाएगा, कार्यकर्ता निराश हो जाता है। यही इस बार भी हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। हम लोगों से ना सही प्रदेश स्तर पर, मुझे तो खैर प्रदेश स्तर पर किसी कमेटी में रखा नहीं गया, खैर वो तो क्षम्य है और उतना बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जिले में तो कम से कम पूछना चाहिए लोगों को कि भाई कैंडिडेट कौन रहेगा, पार्टी कौन जिताऊ है, कौन नहीं जिताऊ है, कौन टिकाऊ भी है कि रहेगा, कि चुनाव जीतने के बाद हारने के बाद फिर भाग जाएगा, फिर नया संगठन बनेगा, ऐसे कुछ मशविरा साथियों में होता है। जो वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, 80-80 साल के लोग हैं यहाँ कांग्रेस में, लोग पुराने कांग्रेस, कौशल प्रसाद शुक्ला जी अभी सक्रिय हैं, वो बाकायदा फोन आता है उनका, कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो कहते हैं भाई ये कैसी कांग्रेस आ गई है। तो हमने कहा कि भाई अब आपके सामने वो, आपने पुरानी कांग्रेस देखी है, अब नई कांग्रेस भी देख ली, उसका नतीजा ये हुआ है जो आप आज कांग्रेस की हालत देख रहे हैं, कि कांग्रेस कहीं किसी लेवल पर गिनती में नहीं है, यूं मान के चलिए 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 3रे नंबर पर, 7% वोट है, 6% वोट है, ये सब दिखाई दे रहा है। वो क्यों हुआ? के बीच में जो विश्वास का कड़ी थी वो दरक गई, टूट गई, विश्वास नहीं करता ना नेता भी कांग्रेस से कार्यकर्ताओं पर विश्वास करता है, और ना वर्कर का ही विश्वास रह गया। इसी को लेकर के हमसे तमाम लोग शिकायत करते हैं कि सब आप हैं वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमसे कोई पूछेगा तभी तो हम करेंगे, तो हम उनका सम्मान या उनकी मर्यादा कार्यकर्ताओं की बचा नहीं पाते हैं। इधर कुछ दिनों से मेरी सदस्यता 2 बार की रही है राज्यसभा की, एक तो 85 में हुआ था चुनाव मेरा, और एक 88 में हुआ, एक बाई इलेक्शन का था, एक पूरा इलेक्शन का था। आपको आज मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि पहली बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ अध्यक्ष थे तो मुझे लोकसभा नहीं मिला, तो उन्होंने बगैर किसी से बताए, बगैर किसी के चर्चा किए, अध्यक्ष होने के नाते, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उस समय, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुख्यमंत्री को भी नहीं बताया, और हमारा नाम राज्यसभा के लिए बाई इलेक्शन में भेज दिया। और शायद पूछते पूछते किसी के तो अरंगे लग जाते बहुत सारे, जैसे 85 के लोकसभा में अरंगे लगे, जब मैं चुनाव तो नहीं लड़ा, तो उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर मैं तुम्हें जो है वो सम्मान दे दूंगा जो तुम वंचित रह गए। और उस समय की हालत हमारी इतनी पतली थी कि जब लोकसभा का टिकट काट दिया और हमसे अध्यक्ष ने ही कहा कि उनको जिताओ जिसको टिकट मिला, हमने कहा कैसे बने, उसका हमारा विश्वास ही नहीं, बनने का तो कैसे जिताएं, कहें इससे क्या होता, आप पूरी कोशिश करिए आपके अपने जो लोग हैं वो उसको जिताएं, और अगर वो नहीं जीतेंगे, ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, कहा वो नहीं जीतेंगे तो मेरी बदनामी होगी कि टिकट तुम्हारा काट दिया गया इसलिए उसको हरवा दिया, इसलिए मैंने उसको जिताया। कपड़े के होर्डिंग लगते थे, पर्चे बढ़ते थे, उन्होंने कहा यही तुम करो, तुम कोई ना पूछे तो अपनी गाड़ी से जाओ करो, मैंने किया जितनी हमारी क्षमता थी उसमें मैंने किया। तो वो दौर भी हमने देखा है कांग्रेस का। उसके बाद 85 में जब नहीं हुआ तो 85 के जनवरी में ही, जनवरी में चुनाव भी हुआ था और 15 जनवरी के बाद मुझे राज्यसभा का संदेश आ गया, तो मेरे पास नहीं आया, मुख्यमंत्री जी के पास आया, तो मुझे तलाश रहे कहाँ हैं कहाँ हैं, मुझे क्या पता कहाँ। तो मुझे जब उनका पीए तलाश करता हुआ आया, कहेगा चलिए तुमको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, तो मेरे मन में एक धड़कन सी हुई कि कमला प्रसाद ने शिकायत जरूर मेरी की होगी कि मेरा विरोध कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बुलाया गया। देखिए ये भावना मेरे अंदर थी, राज्यसभा का कहीं मैं जिक्र भी नहीं था। खैर वहाँ गए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, तिवारी जी थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हें पता नहीं, बधाई आपको, उन्होंने कहा काहे की बधाई दे रहे हो, उन्होंने कहा आपका राज्यसभा के लिए नाम आ गया, चाहिए थे कल सुबह आप फैसला करेंगे, तो भाई धन्यवाद आपको। जानते हैं इस बात को सर्वमान्य है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता ही उस पार्टी की रीढ़ होता है और कार्यकर्ता की ताकत से ही नेता बनते हैं। लेकिन इधर कुछ 2 दशकों से करीब करीब ऐसा हुआ, हर पार्टी में
और जिस पार्टी में हम थे कांग्रेस पार्टी, उसमें भी ऐसा हो गया कि बाहुबली, धनबली, माफिया, ये इनकी ताकत बढ़ गई, जिसकी वजह से अक्सर ये होता रहा कि जो रियल में पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता है उसकी आवाज़ दब जाती थी और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था और उसको कोई सम्मान नहीं देता था। संगठन भी जो बनते थे वो उनकी इच्छा के अनुसार बनते थे, तो वो मतलब पैसे के द्वारा जो संगठन बनते थे वो जो को पैसा लेके गया, फर्जी बना कर लिस्ट बना के दे दी, और जमीन पर कोई संगठन बहुत मजबूत नहीं ऐसा मुझे लगता। इधर कई बार टिकट के बंटवारे में भी यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं से पूछा जाना चाहिए जिनके कंधों पर ये भार है कि भाई इनको जिताना है, बाद में तो उन्हीं से कहा जाता है कि भाई इनको जिता के भेजो, पार्टी को मजबूत करो, लेकिन उनसे कोई पूछता ही नहीं है, सब अपनी अपनी जेब से निकाल करके कैंडिडेट दे देते हैं।